अशोक अपने पापा की आवाज सुनकर हक्का बक्का हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। युग के पिता की फिर आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा। युग सोचने लग जाता है, पापा की आवाज कैसे आ सकती है? पापा तो 13 साल पहले ही गुजर चुके हैं, जरूर कुछ और बात है। युग उसके पास ही जमीन पर सो रहे कायर को उठाने लग जाता है। युग कायर को उठाते हुए कहता है, कायर, ओ कायर, उठ यार। कायर इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि वो उठ नहीं रहा था। कायर के ना उठने पर युग अभिमन्यु को उठाने लग जाता है। युग अभिमन्यु को हिलाते हुए कहता है, अभिमन्यु, ओ अभिमन्यु, उठ भाई, उठ ना यार। इसलिए कहता हूँ, इंसान को इतनी भी नहीं पीनी चाहिए कि होश ही ना रहे। कायर और अभिमन्यु के ना उठने के बाद युग कछुए को उठाने की उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था जब वो दोनों ही नहीं उठे तो कछुआ क्या उठेगा। युग के पिता की फिर से आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा, ऊपर आओ बेटा। युग खुद से कहता है, ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से ही आ रही है, पर ऊपर तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज ऊपर से कैसे आ सकती है? कहीं घर के अंदर कोई चोर वोर तो नहीं घुस गए? नहीं, अगर चोर घुसते तो वो पापा की आवाज में बात नहीं करते, ना ही मेरा नाम लेते। जरूर कुछ और बात है और इसका पता लगाना पड़ेगा मुझे। इतना कहकर युग धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लग जाता है। जैसे जैसे युग सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था, उसके पिता की आवाज तेज होती जा रही थी। आवाज का पीछा करते करते युग उसी कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया था, जिस कमरे के अंदर यक्षिणी कैद थी। कोठी में लाइट नहीं थी, जिस कारण चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, पर दरवाजे के ऊपर बना शैतान का नंबर 666 लाल रंग में चमक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी किसी ने अपने खून से लिखा हो। युग दरवाजे के सामने खड़ा ही था कि तभी उसे फिर से उसके पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, तुम आ गए, मुझे पता था तुम मुझे मुक्ति दिलाने जरूर आओगे। मैं इतना अभागा बाप हूं कि अपने बेटे का चेहरा आखिरी बार तक नहीं देख पाया। अपने पिता की आवाज सुनकर युग भावुक हो जाता है और वो भी रोने लग जाता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए थे। युग के पिता की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, मेरी लाश यहीं अंदर है बेटा, मेरी लाश का अंतिम संस्कार करके मुझे मुक्ति दिला दो बेटा, मेरी लाश को बाहर निकालो, दरवाजा खोलो युग बेटा। अपने पिता की आवाज सुनकर युग पूरी तरह भावना में बह चुका था। उसके दिमाग से ये बात निकल ही गई थी कि कमरे के अंदर यक्षिणी कैद है। युग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं मुक्ति दिलाऊंगा पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी ये सब हटा देता हूँ। युग दरवाजे पर लगे ताबीज को हटाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। युग जैसे ही ताबीज को छूता है, कोई उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। अचानक किसी को अपना हाथ पकड़ते देख युग डर जाता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पर अभिमन्यु खड़ा हुआ था, जिसने अपने एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से युग का हाथ। अभिमन्यु हैरानी के साथ युग से पूछता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है और ये तू क्या करने जा रहा था? तुझे पता है ना इस कमरे में यक्षिणी कैद है, फिर भी इसे खोलने जा रहा था। युग अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, अभिमन्यु तू आ गया, अच्छा हुआ तू आ गया। तुझे पता है इस कमरे में मेरे पापा की लाश है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी लाश निकालूं और उन्हें मुक्ति दिलवा दूं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अपने पापा की आवाज सुनी। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, यार पी हम तीनों ने रखी और चढ़ तुझे रही है। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी युग के पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, दरवाजा खोलो बेटा, मेरी लाश को निकालो यहाँ से, दरवाजा खोलो बेटा। युग के पिता की आवाज सुनकर अभिमन्यु के भी होश उड़ जाते हैं। उसने जितनी विस्की पी रखी थी सारी एक बार में ही उतर जाती है। अभिमन्यु डरते हुए कहता है, यार तू तो सच कह रहा था, आवाज सच में सुनाई दे रही है, मुझे भी दी। वही तो कह रहा हूँ यार, और आवाज इस दरवाजे के पीछे से आ रही है, पर इस कमरे में तो यक्षिणी है ना। युग और अभिमन्यु के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करें। दोनों एक दूसरे की सूरत घूरते जा रहे थे, दोनों डर के मारे पसीने से लथपथ हो गए थे। फिर युग के पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, युग बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। अपने पिता की आवाज सुनकर युग फिर भावुक हो जाता है और अभिमन्यु से कहता है, यार पापा आवाज दे रहे हैं, मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा, उनकी लाश को बाहर निकालना पड़ेगा और उन्हें मुक्ति दिलानी पड़ेगी। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, नहीं युग, वो तेरे पापा की आवाज नहीं है। नहीं अभिमन्यु, वो मेरे पापा ही है, मैं अपने पापा की आवाज पहचान सकता हूँ। यार अब मैं तुझे कैसे समझाऊं,
ये यक्षिणी की आवाज है जो तेरे पापा की आवाज निकाल रही है ताकि तू ये दरवाजा खोल दे और वो आजाद हो जाए। नहीं अभिमन्यु, ये यक्षिणी की नहीं मेरे पापा की आवाज है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी लाश निकालकर उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला दूं। युग ये यक्षिणी की एक चाल है, समझ मेरी बात को, मैं तुझे बताता हूँ। आत्माएं ज्यादातर वही बात दोहराती हैं जो काम उन्हें अपने शिकार से करवाना होता है। और तूने एक बात नोटिस की, जब से तेरे पापा की आवाज आ रही है वो एक ही बात बार बार बोल रहे हैं और वो ये है कि युग बेटा दरवाजा खोल, युग बेटा दरवाजा खोलो, क्योंकि वो तेरे पापा की नहीं यक्षिणी की आवाज है। वो चाहती है तू दरवाजा खोले और वो बाहर निकले। नहीं अभिमन्यु, वो यक्षिणी की नहीं मेरे पापा की आवाज है। वो चाहते हैं मैं दरवाजा खोलकर उनकी लाश बाहर निकालूं। फिर युग के पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा दरवाजा खोलो बेटा। युग के पिता की इतनी ही आवाज सुनाई दी थी कि फिर अंदर से कोई दरवाजा ठोकने लग जाता है। कोई अंदर से जोरों से दरवाजा ठोक रहा था। दरवाजा हिलता हुआ देखकर अभिमन्यु डर जाता है और डरते हुए कहता है, देख युग, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पर आत्माएं होती हैं वहाँ पर नॉनवेज नहीं खाना चाहिए वरना उनकी उत्तेजना बढ़ जाती है। ये सब उसी का असर है। हमें यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए, चल मेरे साथ नीचे चल। अभिमन्यु लगातार कुछ न कुछ बोले जा रहा था पर युग पर उसकी बातों का जरा भी असर नहीं हो रहा था। युग अपने पिता की आवाज सुनकर इतना भावुक हो गया था कि वो भूल गया था कि क्या सही है और क्या गलत। युग के कानों में बार बार उसके पिता की आवाजें गूंज रही थी, युग बेटा दरवाजा खोलो, युग बेटा दरवाजा खोलो। युग दरवाजे पर लटक रहे ताले को अपने हाथ में पकड़ता है और उस पर बंधे अलग अलग धर्म के ताबीज और लाल रंग के कपड़े हटाने लग जाता है। अभिमन्यु युग को रोकते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है युग, रुक जा, ऐसा मत कर वरना तू सोच भी नहीं सकता क्या हो जाएगा। अभिमन्यु के समझाने पर भी युग नहीं समझता और वो सारे ताबीज दरवाजे से निकाल कर फेंक देता है। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, ये तूने क्या किया युग, तुझे जरा भी अंदाजा है अब क्या अनर्थ होगा। युग ने ताबीज तो निकाल दिए थे पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ताला कैसे तोड़े। ताला तोड़ने के लिए युग अपने आसपास कुछ ढूंढने लग जाता है जिससे वो ताला तोड़ सके। अभिमन्यु फिर युग को समझाते हुए कहता है, रुक जा युग, अभी भी वक्त है, दरवाजा खोलने की जिद छोड़ दे, ये सब ठीक नहीं है। ये तू क्या ढूंढ रहा है, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, मैं कुछ कह रहा हूँ तुझसे। युग अभिमन्यु की बात पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर अभिमन्यु हो ही ना, सिर्फ युग अकेला हो। युग को फर्श पर ही एक हथौड़ा पड़ा मिल जाता है, वो उसे उठाकर दरवाजे के पास जाने लग जाता है। युग को दरवाजे के पास जाता देखकर अभिमन्यु समझ जाता है कि वो हथौड़े से ताला तोड़ने जा रहा है, इसलिए अभिमन्यु उससे पहले ही दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और युग को रोकते हुए कहता है, नहीं युग, मैं तुझे दरवाजा नहीं खोलने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। युग गुस्से से कहता है, देख अभिमन्यु मेरे सामने से हट जा वरना मुझे भी नहीं पता आज मेरे हाथों से क्या हो जाएगा, मुझे दरवाजा खोलने दे, समझा। नहीं युग, मैं तुझे ये दरवाजा नहीं खोलने दूंगा, यदि दरवाजा खुल गया तो यक्षिणी बाहर आ जाएगी और यदि एक बार यक्षिणी बाहर आ गई तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा, गांव में फिर से मर्दों के शिकार होने शुरू हो जाएंगे। युग अभिमन्यु को हथौड़ा दिखाते हुए कहता है, देख अभिमन्यु मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, हट जा मेरे सामने से वरना। अभिमन्यु भी गुस्से से कहता है, वरना क्या युग, ये हथौड़ा तू मुझ पर मारेगा, मारना है तो मार दे पर मैं कह देता हूँ मैं यहाँ से नहीं हटने वाला, मैं तुझे ये दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। युग जानता था अभिमन्यु बचपन से ही बहुत जिद्दी है और वो दरवाजे के सामने से नहीं हटने वाला, इसलिए वो अभिमन्यु को दरवाजे के सामने से हटाने की दूसरी तरकीब सोचने लग जाता है और कहता है, अभिमन्यु उस दिन जब तू मुझे काला झाड़ी जंगल में मिला था तो तू अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से भूत को खोज रहा था ना। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, हाँ तो तू ये सब बातें अभी क्यों कर रहा है। युग प्यार से अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, तो यार भूत पकड़ने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा, देख तुझे भी पता है और मुझे भी कि अंदर कुछ न कुछ तो है और तू एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है, अगर तू ही डरने लग गया तो कैसे चलेगा, जरा सोच कर देख, अगर मैंने ये दरवाजा खोल भी दिया तो और कुछ हुआ भी तो तू उसे पकड़ सकता है ना, आखिर तू एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। युग मैं ना भूतों को खोजता पकड़ता हूँ, यक्षिणी को नहीं, समझा, ये भूत और यक्षिणी में बहुत फर्क होता है, यक्षिणी दूसरे लोक से आई है, उसे काबू में करना मेरे बस की बात नहीं है। युग गुस्सा करते हुए कहता है, एक बात बता तू, सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है ना, कहीं झूठ मूठ की डिंगे तो नहीं हाँकता, मुझे तो लगता है कि तुझे वो पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों ने धक्का मारकर निकाल दिया होगा तेरे इस डर के कारण, तभी तो तू यहाँ पर आया है, डरपोक कहीं का।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। देख यू, तुझे जो बोलना है बोल, पर मैं तुझे दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। तू चुपचाप हथौड़ा मुझे दे दे, वरना मैं नीचे जाकर कायर और कछुए को भी उठा दूंगा, और फिर वो दोनों तेरी इस हरकत के लिए तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, ना ही तेरे स्टार्टअप में तेरी कोई मदद करेंगे। युग समझ जाता है कि अभिमन्यु उसकी बातों में नहीं फंसने वाला, इसलिए वो हथौड़ा अभिमन्यु के हाथों में दे देता है। हथौड़ा हाथ में पकड़ते ही अभिमन्यु के कानों में युग की कड़वी बातें गूंजने लग जाती हैं। तुझे भगा दिया गया होगा पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों ने, धक्के मारकर निकाल दिया गया होगा, तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अचानक से अभिमन्यु के हाथ पैर गुस्से के कारण फूलने लग जाते हैं। उसके हाथों की नसें दिखने लग गई थी। गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। पता नहीं अभिमन्यु के मन में क्या आता है। अगले ही पल वो अपनी पूरी जान से हथौड़े से ताले के ऊपर वार कर देता है और ताला खट से टूट जाता है। ताले के टूटते ही कुछ देर पहले से जो दरवाजा ठोकने की आवाज आ रही थी वो बंद हो गई थी। अचानक से चारों तरफ खामोशी छा गई थी। ताला टूटते हुए देखकर युग खुश हो गया था। होता भी कैसे नहीं, उसे कमरे के अंदर से उसके पिता की लाश जो बाहर निकालनी थी। अभिमन्यु दरवाजे पर का ताला हटा देता है और उसकी कुंडी खोल देता है। युग और अभिमन्यु दोनों मिलकर दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके अंदर से बदबू आने लग जाती है। वो बदबू ऐसी थी जैसे किसी मरे हुए इंसान के शरीर में से आती है। अभिमन्यु अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहता है, इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है यार। युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और सीधे कमरे के अंदर घुस जाता है। अभिमन्यु भी युग के पीछे पीछे कमरे के अंदर घुस जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था जिस कारण ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु के मोबाइल का टॉर्च भी बार बार बंद चालू हो रहा था। पता नहीं ये कैसे हो रहा था। शायद ये सब कमरे में मौजूद अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा था। जैसे जैसे वो दोनों कमरे के अंदर घुसते जा रहे थे बदबू और बढ़ती जा रही थी। वो बदबू उनके नाक के नथनों में पूरी तरह घुस चुकी थी। जलती बुझती रोशनी में अभिमन्यु कमरे में अभी तक बस यही देख पाया था कि कमरे में जगह जगह मकड़ी के जाले बने हुए थे और कई सारी किताबें थी। टेबल के ऊपर एक सफेद टाइपराइटर रखा हुआ था जिस पर अभी किसी का सूखा हुआ खून गिरा था। उस टाइपराइटर को देखकर तो अभिमन्यु की जान हलक में ही आ गई थी। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी। युग उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, पापा कहाँ हैं आप? पापा कहाँ पर हैं आप? देखिए मैं आ गया, आप मुझे आवाज लगा रहे थे ना पापा। अभिमन्यु दबी हुई आवाज में युग के पैर पर धीरे से लात मारते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है? युग किसे आवाज लगा रहा है? युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और फिर से अपने पापा को आवाज लगाते हुए कहता है, पापा कहाँ हैं आप? युग ने इतना ही कहा था कि तभी एक औरत की भिन्नाती हुई आवाज सुनाई देती है, पापा नहीं यक्षिणी बेटा। ये आवाज सुनकर युग और अभिमन्यु दोनों दंग हो गए थे। युग हकलाते हुए कहता है, कौन? औरत की आवाज सुनाई देती है, मैं यक्षिणी तेरी मौत। इतना सुनते ही अभिमन्यु फटाक से युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, युग भाग यहाँ से वरना दोनों मारे जाएंगे। युग और अभिमन्यु दोनों दरवाजे की ओर भागने लग जाते हैं। औरत की आवाज सुनाई देती है, रुको कहाँ जा रहे हो? रुको। युग और अभिमन्यु जितनी तेजी से कमरे से बाहर निकल सकते थे निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही दोनों सबसे पहले फटाक से दरवाजा वापस से लगा देते हैं। दरवाजे की कुंडी लगाने के बाद दोनों दरवाजे के ही नीचे बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लग जाते हैं। अभिमन्यु हांफते हुए कहता है, यार युग क्या तूने भी अंदर वही आवाजें सुनी जो मैंने सुनी? युग भी हांफते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु किसी औरत की आवाज थी। तू सच कह रहा था वो मेरे पापा की आवाज नहीं थी। सॉरी यार अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। गलती तो मुझसे भी हुई है, आखिर भूत पकड़ने के चक्कर में ताला तो मैंने ही तोड़ा था ना, मैं ही तो थौर बन रहा था। क्या वो यक्षिणी इस कमरे से बाहर निकल गई? तूने उसे बाहर निकलते हुए देखा? यार कुछ कह नहीं सकते, आत्माएं अदृश्य होती हैं, उनकी जिसे मर्जी होती है वही उन्हें देख पाते हैं। या फिर कोई तरीका नहीं है पता करने का कि यक्षिणी इस कमरे से बाहर निकली या नहीं? एक तरीका है, क्या? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।
अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया था। युग अभिमन्यु को हिलाते हुए पूछता है, अरे कहाँ खो गया? बताना क्या तरीका है पता करने का कि यक्षिणी इस कमरे के अंदर कैद है या बाहर निकल गई? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, युग, यक्षिणी इस कमरे के अंदर कैद है या नहीं, इस बात का पता हमें खुद ब खुद 6 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा को पता चल जाएगा, जब यक्षिणी किसी को अपना शिकार बनाएगी। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू पागल हो रहा है क्या? तू क्या चाहता है कि हम किसी के मरने का इंतजार करें? तुझे नहीं पता अपनों को खोने का गम क्या होता है? अगर परिवार के एक मेंबर को भी कुछ हो जाता है ना, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। अभिमन्यु उदासी के साथ कहता है, सॉरी यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फिर तू ही बता क्या करें? यार कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या तूने किसी साई को कमरे से बाहर निकलते देखा था? नहीं यार, अंधेरा इतना ज्यादा था कि क्या बताऊं। मुझे तो अभी भी तेरा चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा, और जितना मैंने इन भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च की है, उस हिसाब से आत्माएं उन्हें ही दिखती हैं जिन्हें वो दिखना चाहती हैं, या फिर जिनकी राशि भारी या कोई दोष होता है। और हाँ, एक और चीज मैंने ये भी पढ़ी है कि जिस जगह पर आत्माएं कैद होती हैं, यानी जहाँ पर उन्हें बांध कर रखा जाता है, यदि आप उस जगह के साथ छेड़छाड़ कर दें या फिर वहाँ की कोई चीज छू लें, तो वहाँ की आत्माएं बंधन से मुक्त हो जाती हैं। युग अपने हाथ की मुट्ठी खोलते हुए कहता है, ये देख। जब अभिमन्यु युग के हाथ की तरफ देखता है तो बौखला जाता है। युग के हाथ में एक बहुत ही पुराने काले रंग का पेन था। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये तूने कब उठा लिया? यार वो जब हम भाग रहे थे ना, तो पता नहीं कब ये मेरे हाथ में आ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथों में थमा दिया हो। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, वैसे अभी तू ये सब छोड़ और ये बता, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम 100% कन्फर्म हो जाए कि यक्षिणी अंदर कैद है या नहीं? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार एक और तरीका है। अगर पहले की तरह कोई घटिया सा आइडिया हुआ ना, तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं भाई, पहले मेरा आइडिया सुन तो ले। हाँ बोल। हमारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था में बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसके अंदर हमें भूतों का पता कैसे लगाया जाता है, उन्हें कैसे पकड़ा जाता है, उनके साथ संपर्क कैसे साधा जाता है, ये सब सिखाया जाता है। मेरे पास बहुत सारे भूतों को पकड़ने के डिवाइस और टेक्निक हैं। अगर हम उनका यूज करें तो पता लगा सकते हैं कि यक्षिणी अंदर कैद है या नहीं। वो यंत्र काम तो करते हैं ना? तेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर डिवाइस की तरह खराब तो नहीं है ना? नहीं भाई, सब ठीक है, बस कल घर से लाना पड़ेगा वो सब। ठीक है, फिर कल जैसे ही सुबह हो पहली फुर्सत में वो डिवाइस ले आना। अभिमन्यु कहता कुछ नहीं, बस हैरानी के साथ बड़ी बड़ी आंखें करके युग को घूरने लग जाता है। युग ये बात नोटिस कर लेता है और अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, ये तू मुझे ऐसे पागलों की तरह घूर क्यों रहा है? तू ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तू तो ठीक है ना? हाँ क्यों, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ, कल जब तू आया था तो ये भूत वूत पर यकीन नहीं करता था, और अब देखो मुझे ये पता करने को बोल रहा है कि यक्षिणी कैद से कहीं बाहर तो नहीं निकली। यार किसी ने कहा है ना, जब खुद पर बीतती है तभी पता चलता है। बस वही कहानी मेरे साथ हुई है। तुझे पता है ये सब कांड होने से पहले मुझे मेरे पापा मेरे सपने में दिखे थे, जब वो मुझे पहली और आखिरी बार बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने आए थे, और जब मैं नींद से उठा तो मुझे उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं समझ गया ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब ऊपर पहुंचा तो ये सब कांड होने लगा और तू आ गया। यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यक्षिणी कितनी शक्तिशाली है। वो हमारे सपने तक देख सकती है और उस चीज का फायदा उठा सकती है। यार शक्तिशाली कैसे नहीं होगी, सिर्फ डायन की ही नहीं बल्कि दैवीय शक्तियां भी हैं उसके पास। भूल मत वो दूसरे लोक से आई है। हाँ यार ये भी तो है, युग कुछ सोचते हुए कहता है। और तू मुझे एक बात बता, जब मैं ताला तोड़ने वाला था तो तूने मुझे मना कर दिया, पर खुद मेरे हाथों से हथौड़ा लेकर वो ताला तोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया था तुझे कि एकदम से ताला तोड़ दिया? ये सब तेरे तानों की वजह से हुआ है। क्या कहा, मेरे तानों की वजह से? हाँ यार तुझे पता है मैंने यहाँ पर अपनी छुट्टी मनाने नहीं आया हूँ, बल्कि पैरानॉर्मल संस्था वालों ने मुझे निकाल दिया है। युग अपना गला फाड़ते हुए कहता है, क्या, पर क्यों? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, यार वो बात ये है कि, अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे ताबीजों पर पड़ती है। वो बात को बदलते हुए कहता है, यार हमें ना ये सब ताबीज लाल कपड़ा उठा लेना चाहिए और दरवाजे को वैसे ही बंद कर देना चाहिए जैसे पहले था। अगर कछुए और कायर ने इसे खुला हुआ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो दोनों यक्षिणी के हाथों मरे या ना मरे डर के कारण जरूर मर जाएंगे। हाँ ठीक कह रहा है तू। और एक बात, उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ये दरवाजा खोला था। सिर्फ उन दोनों को ही नहीं, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। हाँ ठीक है,
युग और अभिमन्यु दोनों उठकर वापस से दरवाजे को वैसे ही बंद कर देते हैं जैसे वो पहले था। उसके ऊपर ताला, लाल कपड़ा और ताबीज भी बांध देते हैं। अब दरवाजा और ताला पहले की ही तरह लग रहा था। कोई कह ही नहीं सकता था कि ताला तोड़कर दरवाजा खोला गया था। युग और अभिमन्यु दोनों वापस से नीचे हॉल में जाकर सोने की कोशिश करने लग जाते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी वो दोनों सो नहीं पा रहे थे। कमरे का हादसा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। देखते ही देखते उन दोनों की कब आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। सुबह के 7 बज रहे थे। युग, अभिमन्यु, कायर और कछुआ चारों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। कोई इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था कि ऐसा लग रहा था यदि दरवाजा जल्दी नहीं खोला गया तो वो दरवाजा तोड़ देगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कायर की नींद खुल जाती है और वो नींद में ही उसके बगल में सो रहे कछुए से कहता है, यार कछुआ देखना कौन है, सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है इतनी जोर जोर से। कछुआ नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, यार तू ही देख लेना मुझे नींद आ रही है। कायर कछुए को लात मारते हुए कहता है, उठना यार कौन सा तुझे राजकुमारी के सपने आ रहे हैं। कछुआ उठते हुए कहता है, उठ रहा हूँ ना मार क्यों रहा है। जब कछुआ उठता है तो देखता है कि युग और अभिमन्यु भी उठ गए थे और अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। दोनों दरवाजे की तरफ देख तो रहे थे पर दरवाजा नहीं खोल रहे थे। कछुआ उन दोनों से कहता है, यार जब तुम दोनों उठकर ही बैठे हो तो तुम दोनों में से कोई एक दरवाजा खोल देता, मेरी नींद क्यों खराब होने दी। युग, अभिमन्यु कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देते हैं। दोनों ही रात के हादसे से अभी तक बाहर नहीं आ पाए थे। कछुआ बड़बड़ाते हुए कहता है, इन दोनों को क्या हो गया, लगता है अभी तक नींद पूरी नहीं हुई। इतना कहते हुए कछुआ दरवाजे के पास पहुंच जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे के सामने एक बूढ़ा खड़ा हुआ था। उस बूढ़े ने सफेद धोती, कुर्ता और गले में लाल गमछा पहना हुआ था। बाल पूरी तरह सफेद और कुछ झड़ चुके थे। सिर के एकदम बीचों बीच चांद दिखता था। बूढ़ा कहता है, बेटा तुम ही युग बाबू हो क्या। अरे नहीं नहीं मैं युग नहीं हूँ, आपको युग से मिलना है क्या। हाँ हम तो युग बाबू से ही मिलने आए थे। कछुआ युग को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे युग जरा यहाँ पर आना, कोई तुझसे मिलने आया है। युग मन ही मन सोचने लग जाता है कि ये मुझसे मिलने सुबह सुबह कौन आ गया। जब युग उस बूढ़े को दरवाजे पर खड़ा देखता है तो मंत्रमुग्ध अवस्था में खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ा पीयूष को साइड हटाता है और युग के कंधे छूते हुए खुश होने लग जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बूढ़ा युग की कलाई पकड़ते हुए कहता है, बहुत बड़े और हट्टे कट्टे हो गए हो बेटा। पीयूष मन ही मन सोचने लग जाता है, ये बूढ़ा कौन है। युग कुछ याद करते हुए कहता है, आप बल्लू काका है ना। वो बूढ़ा खुश होते हुए कहता है, हाँ बेटा मैं ही बल्लू काका हूँ, बड़ी देर कर दी पहचानने में, मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं, 13 साल बाद तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। बल्लू काका युग के घर के पुश्तैनी नौकर थे जो बचपन से ही उनके घर पर काम किया करते थे। आप यहाँ पर कैसे और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ। युग बाबू मुझे क्या, पूरे गांव को पता चल गया है कि कोई परदेशी शहर से आया है। हम तो समझ गए थे कि वो परदेशी कोई और नहीं बल्कि हमारे युग बाबू ही होंगे। पर ये क्या, आप इस लाशों वाली कोठी में क्यों रुके हैं, आपको अपने घर पर रुकना चाहिए था ना। ये भी तो मेरा ही घर है ना बल्लू काका। हाँ युग बाबू ये भी आपका ही घर है पर आपको नहीं पता बड़ी मनहूस कोठी है ये। इसी कोठी ने तो हमारे बड़े मालिक यानी आपके पापा की जान ली थी। हमने तो ये भी सुना है कि यही कोठी उस डायन यक्षिणी का दूसरा ठिकाना था। चलिए छोड़िए ये सब बात, आप ना हमारे साथ चलिए, हम ना आपको लेने आए हैं, बड़े मालिक ने आपको लेने के लिए भेजा है। युग हैरानी के साथ कहता है, बड़े मालिक मतलब बड़े पापा ना। हाँ युग बाबू वो ही। चलिए जल्दी से अपना सामान लाइए और चलिए हमारे साथ। नहीं बल्लू काका मैं नहीं आ सकता। पर क्यों, अब मैं यहीं पर रहूंगा, यही मेरा घर है। बल्लू काका युग की आंखों में देखते हुए कहते हैं, आप बड़े मालिक से अभी भी नाराज हैं क्या। युग कुछ जवाब नहीं देता। बल्लू काका अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, मुझे पता है आपकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है, पर युग बाबू बड़े मालिक की सजा आप बड़ी मालकिन को क्यों दे रहे हैं, वो आपकी राह ताक रही है। क्या कहा, बड़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ युग बाबू जैसे ही बड़ी मालकिन को पता चला कि आप यहाँ आए हैं तो उनकी खुशी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो चाहती थी कि हम कल ही आपको लेने आ जाएं पर रात हो गई थी और हमारे गांव में आज भी रात को नदी पार नहीं की जाती। आपको तो पता ही है कि रोंगकामुचा गांव से बंगला मुड़ा गांव जाने का मात्र एक रास्ता है और वो है किश्नोई नदी, आप चलेंगे ना। युग फिर कुछ जवाब नहीं देता। बल्लू काका अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, माना मैं आपका नौकर हूँ और आप मेरे मालिक,
मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता, पर भगवान के लिए मेरे साथ चलिए। मैं बड़ी मालकिन से वादा करके आया हूँ कि आपको अपने साथ लेकर ही आऊंगा। युग बल्लू काका के हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे बल्लू काका, आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप कोई नौकर नहीं है, आप तो मेरे काका हैं। बल्लू काका, आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ठीक है बेटा। कुछ ही देर में युग तैयार होकर नीचे आ जाता है। युग को जाते देख कछुआ कहता है, यार तू जा रहा है तो फिर हम भी निकले यहाँ से। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार मुझे भी बिंदु के पास जाना है, कल रात से उसे नहीं देखा, पता नहीं कैसे होगी। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कई जमानों से उसे नहीं देखा। कायर कहता है, तू नहीं समझेगा, प्यार में एक एक पल दूर रहना कितना मुश्किल होता है। अर्जुन उन दोनों के बीच में ही बोल पड़ता है, मैं भी निकलता हूँ। युग अर्जुन को मना करते हुए कहता है, अरे तू कहाँ जा रहा है, अगर तू चला जाएगा तो फिर वो काम कैसे करेगा। अरे उस काम का सामान लेने ही तो घर पर जा रहा हूँ, कल बताया था ना सामान घर पर है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, ये तुम दोनों किस काम और सामान की बात कर रहे हो। अर्जुन बहाना बनाते हुए कहता है, अरे वो ताला लेने की बात कर रहा है ग्रेवयार्ड कोठी के लिए। अब तुझे तो पता है ना कि हमने ताला तोड़ दिया था बाहर वाले दरवाजे का, अगर कोई चोर घुस गया तो, इसलिए ताला लेने मुझे घर जाना है। कछुआ हंसते हुए कहता है, अरे ताले की कोई जरूरत नहीं है, कोई चोर गलती से भी इस कोठी में चोरी करने की सोचेगा भी नहीं। युग और उसके दोस्त ग्रेवयार्ड कोठी से चले जाते हैं। बल्लू काका और युग रोंगका मुचा गांव जाने के लिए किश्नोई नदी पार कर रहे थे। सूरज की किरणें सीधे युग और बल्लू काका के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस कारण दोनों ही पसीने से भीग गए थे। नदी में घुटनों के ऊपर तक पानी था। उनके आगे पीछे कुछ लोग नदी पार कर रहे थे। दिन में नदी का नजारा अत्यंत मनमोहक लग रहा था। युग और बल्लू काका नदी पार कर ही रहे थे कि तभी युग पूछता है, वैसे बल्लू काका अभी वहाँ घर पर कौन कौन है। बल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, वहाँ पर अभी बड़े मालिक हैं, बड़ी मालकिन हैं और बड़ी मालकिन के भाई सुदेश बाबू, उनकी पत्नी रजनी और उनकी बेटी अमोदिता है। अच्छा। युग कुछ देर रुक कर पूछता है, क्या वहाँ पर वंदना भाभी नहीं है। अरे हाँ, उनके बारे में तो बताना ही भूल गया, पर युग बाबू वंदना बहुरानी का उस घर में होना ना होना एक समान है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बल्लू काका, मैं आपके कहने का मतलब समझा नहीं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। बल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, मतलब ये युग बाबू कि उस वक्त आप छोटे थे इसलिए शायद आपको याद नहीं जब यक्षिणी ने विराट बाबू को अपना शिकार बनाया था। बल्लू काका ने इतना ही कहा था कि तभी युग बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहता है, क्या कहा आपने, यक्षिणी ने विराट भैया को अपना शिकार बनाया था। पर मुझे तो बताया गया था कि उनकी मौत दिल के दौरे पड़ने की वजह से हुई थी, जब वो किश्नोई नदी पार कर रहे थे तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वहीं पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। वो तो युग बाबू आप उस वक्त छोटे थे ना, इसलिए यक्षिणी की सच्चाई आपको बताई नहीं गई थी, वरना आपके दिल में उसका खौफ बैठ जाता। वो यक्षिणी बहुत ही खतरनाक थी, किसी किसी मर्दों के शव मिलते थे और किसी के तो मिलते ही नहीं थे। हम किस्मत वाले थे कि विराट बाबू का शव हमें नदी के पास ही मिल गया था। युग बल्लू काका की बात का कुछ जवाब नहीं देता, वो गौर से नदी पार करते हुए उनकी सारी बातें सुन रहा था। विराट बाबू की मौत की खबर जब वंदना बहुरानी को लगी तो जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। कैसे ना उजड़ती, आखिर एक पत्नी की दुनिया उसके पति से ही तो होती है। विराट बाबू के जाने के बाद वंदना बहुरानी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, ना किसी से बात करती थी ना अपने कमरे से बाहर निकलती थी। मुझे तो सालों हो गए पर मैंने बहुरानी को नहीं देखा, खाना पीना भी बड़ी मालकिन उन्हें कमरे में दे आती है। मालकिन ने बहुरानी को कितना समझाया कि भूल जाए विराट बाबू को, पर वो कहां किसी की सुनती है। मुझे तो लगता है कि उनके प्राण भी तभी चले गए थे जब विराट बाबू के गए थे। सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। बल्लू काका की सारी बात सुनने के बाद युग की आंखों में नमी आ गई थी, आती भी कैसे नहीं, आखिर बचपन में माँ से ज्यादा प्यार उसे कोई करता था तो
तो वो उसकी वंदना भाभी ही तो थी। युग और बल्लू काका नदी पार कर रहे थे, तभी बल्लू काका चलते चलते रुक जाते हैं। बल्लू काका को यूं अचानक रुकते हुए देख युग हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये बल्लू काका नदी के एकदम बीचों बीच आकर क्यों रुक गए। युग उनसे कुछ पूछता, उससे पहले ही वो देखता है कि बल्लू काका अपनी धोती में बंधी गठान खोलते हैं और उसमें से एक छोटी सी पोटली निकालते हैं जिसके अंदर कुछ चिल्लर पैसे रखे हुए थे। उन चिल्लर पैसों में से बल्लू काका एक रुपए का सिक्का निकालकर हाथ जोड़ते हुए उस सिक्के को नदी के अंदर फेंक देते हैं। ये सब देखकर युग की आंखें चौंधी आ जाती हैं और वो हैरानी के साथ पूछता है, अरे ये क्या बल्लू काका, आपने ये सिक्का नदी में क्यों फेंक दिया। बल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, फेंका नहीं बेटा, दान किया है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा आपने, दान किया है मतलब। मतलब ये बेटा, नदी में सिक्का डालना हमारे हिंदू धर्म में दान का दूसरा रूप बताया गया है। तुम्हें तो पता ही होगा हमारे शास्त्रों में नदियों को देवी की तरह पूजा जाता है। इनका संबंध शास्त्रों में विभिन्न देवी देवताओं से बताया गया है। जब नदी, तालाब या फिर समुद्र आदि में हम सिक्का डालते हैं तो ये उसके दैवीय स्वरूप को एक भेंट चढ़ाने का तरीका होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए जल में सिक्के व पूजन सामग्री प्रवाहित करने की प्रथा है। अच्छा तो ये बात है, पर आपको पता है इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। बल्लू काका अपना सिर खुजाते हुए कहते हैं, और वो क्या है युग बाबू। आपको तो पता ही होगा प्राचीन काल में तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। तांबा जो है वो जल के शुद्धिकरण में काम आता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि तांबे के बर्तन में पानी रखने से वो पानी शुद्ध हो जाता है। पुराने जमाने में जब लोग तांबे के सिक्के नदी में डालते थे तो सिक्के धरातल में जाकर कई दिनों तक वहाँ पर जमा रहते थे। इससे तांबे का अंश धीरे धीरे जल में घुलता था जिससे शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया चलती रहती थी। आज के जमाने में अब तांबे के सिक्के तो नहीं चलते, पर ये परंपरा अभी भी चली आ रही है। अच्छा तो ये बात है युग बाबू, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। बल्लू काका और युग धीरे धीरे वापस से नदी पार करने लग जाते हैं। इस तरफ युग के बड़े पापा के घर में युग की बड़ी मम्मी जानकी और उसके भाई की पत्नी रजनी किचन के अंदर खाना बना रही थी। रजनी सब्जी बखारते हुए कहती है, आपको क्या लगता है भाभी, युग आएगा या नहीं आएगा। जानकी झट से रजनी की बात का जवाब देते हुए कहती है, अरे तुम ऐसा क्यों कहती हो रजनी, युग बेटा है इस घर का और मेरे विराट के गुजर जाने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब उसी का तो है। देखना वो जरूर आएगा, बल्लू काका लेने गए हैं ना उसे, वो युग को अपने साथ लेकर ही आएंगे मेरा मन कहता है। रजनी हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ वो सब तो ठीक है भाभी, पर मेरे मन को एक बात खाई जा रही है और वो ये है कि यदि युग को यहाँ हमारे घर आना ही होता तो वो सीधे आ जाता। उसे वो लाशों वाली क्या कहते हैं ग्रेवयार्ड कोठी खोलने की क्या जरूरत थी। आपको पता है ना कितना हंगामा हो रहा है उसको लेकर दोनों गांव में। हाँ रजनी मुझे सब पता है, उसी के लिए तो आज मीटिंग भी बुलाई गई है। पर तुम्हें तो पता है ना जब युग छोटा था और अनुराग भैया उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर आए थे, तब से लेकर आज तक हमने भी तो उसकी खबर नहीं ली, कोई रिश्ता ही नहीं रखा उस बेचारे के साथ, तो कैसे आता वो यहाँ पर। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, भाभी रिश्ता हमने उनके साथ नहीं रखा या उन्होंने हमारे साथ नहीं रखा, आप भूल गई युग की माँ को। जानकी कुछ याद करते हुए कहती है, उसे कैसे भूल सकती हूँ रजनी, वही तो सारे फसाद की जड़ थी, न वो होती ना अनुराग भैया ग्रेवयार्ड कोठी जाते और ना ये सब होता। अब आप पुरानी बातों को याद करके दिल छोटा मत कीजिए भाभी, सबको पता है वो औरत कैसी थी, आखिर सारा गांव जानता है। जानकी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, अरे रजनी जल्दी सब्जी बघार वरना मसाला जल जाएगा, देख जरा। रजनी चम्मच हिलाते हुए कहती है, हाँ भाभी मेरा ध्यान है यहाँ पर। जानकी और रजनी आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर रजनी की बेटी अवोदिता आ जाती है। अवोदिता की उम्र करीब 23 साल की थी, दिखने में वो सुंदर तो थी पर उसका रंग काला था। अवोदिता किचन के अंदर घुसते हुए कहती है, आप दोनों यहाँ पर बस खाना ही बनाते रहेंगी या बाहर मेहमानों का स्वागत भी करेंगी। युग जी आ गए हैं, जानकी खुश होते हुए कहती है। क्या कहा अवोदिता बेटी, युग बेटा आ गया। हाँ बुआ, और युग जी बाहर पापा और फूफा जी के पास खड़े हुए हैं। जानकी रजनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चल रजनी जल्दी से युग बेटे से मिलने। रजनी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, भाभी आप जाइए ना, मैं ये सब्जी देखकर आती हूँ वरना ये जल जाएगी। अच्छा ठीक है मैं ही जाती हूँ।
इतना कहकर जानकी वहां से जाने लग जाती है। जानकी के पीछे पीछे ही अवोदिता भी जा रही होती है कि तभी रजनी उसे रोकते हुए कहती है, अरे तू कहाँ जा रही है? अवोदिता शर्माते हुए कहती है, युग जी को देखने। रजनी घूरते हुए कहती है, तो इतना शर्मा क्यों रही है, सीधे सीधे बोलना। जानकी अभी किचन के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी वो कहती है, अरे शर्माएगी कैसे नहीं, भूल गई रजनी बचपन में युग और ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, तो ये अवोदिता अपनी दुल्हन की शादी युग के दूल्हे से और युग अपने दूल्हे की शादी इसकी दुल्हन से कराता था, और जब इन दोनों से पूछते थे कि आपस में शादी करोगे तो कैसे हाँ हाँ चिल्लाते हुए पूरे घर में घूमते थे। अवोदिता शर्माते हुए कहती है, उस वक्त हम छोटे थे बुआ जी। जानकी कान पकड़ते हुए कहती है, क्या कहा छोटे थे, तो एक बात बता अभी इतना शर्मा क्यों रही है? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता बचपन का प्यार कैसा होता है? भूल मत कि मैं भी कभी तेरी उम्र की थी, चल अब जल्दी मेरे साथ बाहर। इतना कहकर जानकी वहां से चली जाती है। अवोदिता भी किचन के बाहर कदम रखने ही वाली थी कि तभी रजनी उसे रोकते हुए कहती है, दो मिनट अवोदिता जरा यहाँ पर आना। अवोदिता चिढ़ते हुए कहती है, क्या है माँ, लगता है आज आप मुझे युग जी से मिलने ही नहीं दोगे। रजनी अवोदिता को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहती है, तो ऐसे मिलेगी युग से? अवोदिता अपने कपड़े और बाल ठीक करते हुए कहती है, तो फिर कैसे मिलूं माँ, क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही? अच्छी तो तू बचपन से नहीं दिखती है, पता नहीं जब तू मेरे पेट में थी तो क्या खा लिया था मैंने जो मुझे कोयले जैसी बैठी हुई। एक तो लड़की की शादी कराना वैसे ही मुश्किल होता है, ऊपर से काली निकल जाए तो और मुश्किल हो जाती है। अपनी माँ की बात सुनकर अवोदिता उदास हो जाती है और उसके मन को गहरी ठेस पहुँची थी। अवोदिता सर्वगुण संपन्न लड़की थी पर अपने काले रंग की वजह से वो हर जगह मार खा जाती थी, कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता था। कई जगह अवोदिता के रिश्ते की बात चली पर बात नहीं बनी। अवोदिता उदास मन के साथ कहती है, तो क्या करूँ माँ? देख युग शहर से आया है और हो सकता है कि शहर में कोई लड़की उसे पसंद भी हो, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो वही करेंगे जो हम करते आए हैं, हम ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते, इससे अच्छा लड़का तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा, दौलत शोहरत सब है युग के पास। अवोदिता धीरे से कहती है, मतलब माँ हम युग पर काला जादू करेंगे? हाँ और नहीं तो क्या, काले जादू से ही तो वो तेरे वश में आएगा, ना कि तेरी काली सूरत देखकर। अवोदिता रजनी को मना करते हुए कहती है, पर माँ मुझे ना शुरू से ही काला जादू वादू ठीक नहीं लगता, और वैसे भी इन सब से कुछ नहीं होता, हमने कितने लड़कों पर काला जादू किया मेरे रिश्ते के लिए, पर कुछ हुआ क्या? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, वो तो इसलिए नहीं हुआ पागल क्योंकि तू ठीक से सच्चे मन से काला जादू नहीं करती, ना ही मंत्रों का सही से जाप करती है, वरना ये काला जादू कभी खाली नहीं जाता, समझी? पर माँ, अवोदिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रजनी बीच में ही उसे टोकते हुए कहती है, पर वर कुछ नहीं, देख तू ही मुझे सच सच बता तू युग को पसंद करती है या नहीं। अवोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, पसंद तो करती हूँ माँ। रजनी झट से कहती है, तो फिर अगर तुझे युग चाहिए तो तुझे काला जादू करना पड़ेगा, उसे अपने वश में करना पड़ेगा तभी वो तेरे वश में आएगा। अवोदिता रजनी की आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, माँ मुझे युग जी को अपने वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरफ गार्डन में युग के बड़े पापा दिलीप कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके पीछे युग के मामा सुदेश खड़े हुए थे। युग और बल्लू काका वहीं पर युग के बड़े पापा दिलीप के सामने खड़े थे। युग के बड़े पापा की बहुत बड़ी हवेली थी, उनके पास 100 एकड़ पुश्तैनी जमीन थी जिस कारण उनका गांव में बहुत मान सम्मान भी था। गांव में जितनी सरपंच की नहीं चलती थी उससे कहीं ज्यादा दिलीप की चलती थी। दिलीप अपनी मूंछों को ताव देते हुए बल्लू काका से पूछता है, तो यही है वो? बल्लू काका बौखलाहट के साथ कहते हैं, हाँ मालिक यही है युग बाबू। जैसे ही बल्लू काका इतना कहते हैं सुदेश अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे युग बेटा आ गए तुम, और बताओ कैसे हो? युग सुदेश को देखते हुए धीरे धीरे कहता है, ठीक हूँ मामा जी। दिलीप कहता है, तो तूने ग्रेवयार्ड कोठी क्यों खोली और किसकी इजाजत से खोली? युग कुछ जवाब नहीं देता, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका उसके बड़े पापा से बात करने का जरा भी मन नहीं था। सुदेश हंसते हुए कहता है, अरे युग बेटा जीजा जी कुछ पूछ रहे हैं। बेटा बड़े जब कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब झट से दे देना चाहिए, इतना सोच विचार नहीं करना चाहिए, वरना ये संस्कारों के खिलाफ होता है और लोग सोचते हैं कि आपके माता पिता ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं। युग अपना मुख खोलते हुए कहता है, मामा जी वो कोठी मेरी थी इसलिए मैंने खोल दी, मुझे मेरी चीज खोलने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। दिलीप गुस्से से कहता है, वो कोठी इसके नाम हुई तो क्या हुआ, रोंग का मुचा और बंगला मुडा दोनों ही मेरे गाँव है और उन पर मेरा हक है,
अगर वहां की तुम्हें किसी भी चीज को हाथ लगाना है तो मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। युग भी गुस्से से कहता है, गांव भले ही मामा जी किसी का भी हो पर मैं अपनी चीज कभी नहीं छोड़ता। युग दिलीप से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। युग की बातें सुनकर दिलीप समझ जाता है कि युग भी उसके बाप अनुराग की तरह गुस्सैल है, इसलिए वो बात को पलटते हुए कहता है, इससे पूछो इसने दूसरी मंजिल पर जो कमरा था जहाँ वो यक्षिणी कैद थी उसे खोला तो नहीं। ये सुनकर युग के माथे पर पसीना आने लग जाता है। अभी तक उसे यक्षिणी के बारे में जितनी कहानी सुनाई गई थी वो सब सच लगने लग गई थी। युग दिलीप के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता, वो अपने हाथ की मुट्ठी भींचने लग जाता है। सुदेश अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, युग बेटा बताओ, जीजा जी कुछ पूछ रहे हैं, तुमने वो दूसरी मंजिल का दरवाजा खोला तो नहीं ना, जिस पर बहुत सारे ताबीज बंधे हुए थे। इस तरफ किचन के अंदर जब रजनी अपनी बेटी अमोदिता के मुँह से सुनती है कि वो युग पर काला जादू करने के लिए तैयार है तो वो खुश हो जाती है। रजनी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, ये हुई ना बात, सुन मैं युग के लिए पानी लेकर जाती हूँ, तू जब तक उसे अपने वश में करने के लिए चाय बना। अवोदिता बीच में ही अपनी माँ को टोकते हुए कहती है, बस मुझे युग जी के लिए चाय बनानी है और वो मेरे वश में आ जाएंगे। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, तुझे चाय कोई ऐसी वैसी नहीं बनानी है, वशीकरण की चाय बनानी है। और वो कैसे बनाते हैं? मेरी बात अब तू ध्यान से सुनना, सबसे पहले तू लौंग और इलायची को अपने शरीर के अंग से लगाकर उसे चाय के अंदर डाल देना। उसके बाद ओम नमः कामाख्या देवी पुरुष में वश कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करना और जहां पर पुरुष बोला है वहां पर युग का नाम लेना है, समझी? माँ समझ तो गई पर क्या 108 बार जाप करना जरूरी है? और नहीं तो क्या, इतना आसान थोड़ी होता है ये काला जादू। ये कामाख्या देवी वशीकरण मंत्र है, बहुत शक्ति होती है इसमें, समझी? जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा करती जा और फिर देखना युग कैसे तेरे वश में आता है। अच्छा अब मैं बाहर जा रही हूँ, तू यहाँ पर चाय बना वरना भाभी को शक होगा। पर माँ दो मिनट, बाहर तो बहुत सारे लोग हैं, पापा और फूफा जी भी हैं, अगर चाय पीकर वो लोग मेरे वश में आ गए तो। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।